लाइव फीड बंद क्यों कर दी गई है? बिग बॉस के घर में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या अगला एलिमिनेशन किया जा रहा है? क्योंकि बिग बॉस को तो टॉप 5 मिल चुके हैं, तो क्या दो और लोगों को निकाला जा रहा है? चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं कि अभी घर में क्या चल रहा है। देखो गाइज, आपको पता होगा टॉप 5 जो बिग बॉस को मिले हैं, जिसमें सना मकबूल, साई केतन राव, कृतिका मलिक और इसके साथ साथ यहाँ पर नेजी और रणवीर शोरे, ये टॉप 5 है जो बिग बॉस को अभी मिल चुके हैं। लेकिन ऐसे में लाइव फीड है वो काफ़ी टाइम हो चुका है, बंद हो चुकी है। रात आपने कॉन्सर्ट देखा होगा, कॉन्सर्ट नेजी के लिए लाया गया था। सभी रैपर है, सभी सिंगर है, वो नेजी के लिए उनका करियर है उसको उठाने के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, तो नेजी के लिए सब कुछ रात था। लेकिन ऐसे में जैसे ही सुबह होती है तो लाइव फीड है वो हमें बंद नजर आती है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं कि लाइव फीड बंद क्यों कर दी गई है, घर में क्या चल रहा है। तो पहले एलिमिनेशन पर बात कर लेते हैं। देखो जैसे ही आज का एपिसोड आप देखोगे, आप जैसे ही देखोगे तो भैया वोटिंग लाइन है वो शुरू कर दी जाएगी विनर के लिए। जी हाँ, टॉप 5 के लिए अब आप वोट कर पाओगे कि भैया किसको विनर बनाना चाहते हो, वो वाली रेस है आज रात से शुरू हो जाएगी। वोटिंग लाइन रात जैसे शो एपिसोड आएगा तभी से ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि भैया विनर कौन बनेगा। तो विनर की अपडेट जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको गाइज इंस्टा पे बताऊंगा, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, नेजी बनता है, रणवीर बनता है या फिर यहां पर सना मकबूल बनती है, कौन बनेगा सबसे पहले गाइज मैं ही बताऊंगा आपको, तो फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब यहां पर गाइज क्या चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो घर में ना, घर वालों के लिए जो टॉप 5 है उनके लिए शो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी जो चीज़ें घर में होनी थी वो अभी बंद हो चुकी है। इस बार तो इन्होंने भैया कुछ अलग ही किया है, फैमिली भी नहीं आई है और ना ही यहाँ पर जर्नी दिखाई गई है। अब देखते हैं कि ये जर्नी दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी घर में कोरियोग्राफर आ चुके हैं, अभी घर में प्रैक्टिस चल रही है, डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस की जा रही है। मतलब घर वालों के लिए तो शो खत्म हो चुका है, अब पूरा सेटअप है वो पैकअप किया जा रहा है और सभी घर में आकर कहीं ना कहीं डांस परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है। कौन से गाने पे डांस करना है, कौन सा डांस करना है, कौन सा स्टेप होना चाहिए, प्रैक्टिस करवाई जा रही है इन पांचों को। तो अभी घर में प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए लाइव फीड बंद कर दी गई है। अब लाइव फीड ऑन नहीं होगी, यानी कि ठीक है, अब लाइव फीड है वो अब अगले सीजन में आप देख पाओगे और अब सीधा आप फिनाले देख पाओगे, इसलिए लाइव फीड अब ऑन नहीं होगी। और एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन अभी नहीं होगा, फिनाले वाले दिन यानी कि परसों ही एलिमिनेशन होगा। पहले पांचवा निकाला जाएगा कि पांच नंबर पे कौन है। मुझे लगता है पहले साई केतन जाएगा, फिर कृतिका जाएगी, फिर टॉप 5 टॉप 3 मिल जाएंगे जिसमें सना मकबूल, रणवीर शोरे और नेजी होगा। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि शायद 100% कन्फर्म लग रहा है कि रणवीर शोरे को ट्रॉफी देंगे। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं 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 नेजी को ट्रॉफी देंगे, नेजी को ट्रॉफी देंगे। ऐसा देखो वोटिंग के हिसाब से वोट उसको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, सना मकबूल को भी ज़्यादा मिलेंगे रणवीर से, लेकिन ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं भैया, ये आप क्यों नहीं समझ रहे, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने हिसाब से फिक्स विनर बनाएंगे। जो वोट जिसको सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं उसको भैया नहीं छेड़ना है इन्होंने। अब क्या बोलोगे लिख डालिए। फिलहाल के लिए लाइव फीड इसलिए बंद है क्योंकि घर में प्रैक्टिस चल रही है, फिनाले की तैयारियां शुरू हो चुकी है और फिलहाल के लिए कौन कौन आ रहा है, कौन कौन परफॉर्मेंस करेगा, वो सारी अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि भैया नेजी किस गाने पर परफॉर्मेंस करने वाला है और सना मकबूल किस गाने पर, रणवीर शोरे किस गाने पर, साई केतन और कृतिका किस गाने पर परफॉर्म करने वाले, क्या डांस रहेगा। थोड़ी देर के अंदर हम आपको पूरी अपडेट बताते हैं।